सॉरी मॉडर्न पब्लिक स्कूल, और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि देयर आर 7 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द एग्रीकल्चर। क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए 7 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो? फर्स्ट स्टेप होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जिसमें हम लैंड को टिल करते हैं। सेकेंड होता है हमारा सोइंग ऑफ सीड्स, बीज बोते हैं इसमें। थर्ड है हमारा एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ स्टेप है इरिगेशन, बीज बोने के बाद हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, उसके बाद हम इरिगेशन करते हैं, पानी देते हैं पौधों को, अपने जो क्रॉप होते हैं फसलों को पानी देते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा रिमूवल ऑफ वीड्स, उसके बाद है हार्वेस्टिंग जिसे बोलते हैं कटाई करते हैं अपने फसलों की, और उसके बाद स्टोर करते हैं, स्टोरेज। तो ये 7 स्टेप्स है हमारे, जिसमें से लास्ट क्लास में हमने ये 2 स्टेप्स कवर कर लिए थे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स एंड सोइंग ऑफ सीड्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन और रिमूवल ऑफ वीड्स। ये 3 जो स्टेप्स है आज इसको हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, व्हाट आर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स क्या होते हैं, इसको हम ध्यान से समझेंगे। थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है ये, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, विद हेल्प ऑफ डायग्राम मैं समझाऊंगा आपको। देखिए ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है फॉर एग्जाम्पल, और ये कौन सा प्लांट है, ये जैद प्लांट है। जैद प्लांट आपको पता है, जैद प्लांट कौन से सीजन में होता है, हमारे समर सीजन में, फ्रॉम अप्रैल टू जून। ये एक एग्जाम्पल देने के लिए आपको समझा रहा हूं, ये जैद प्लांट है, ये हम इसके रूट्स है और ये सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल है। इस सॉइल में क्या होते हैं हमारे, सॉइल में होते हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इस प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं एनपीके, एनपीके का फुल फॉर्म होता है एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस और के से पोटेशियम। ये एनपीके एक मिनरल हो गया, ये और मिनरल्स क्या होते हैं, सल्फर और कैल्शियम, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हमारे सॉइल में पाए जाते हैं। सॉइल में और क्या होते हैं, सॉइल में होते हैं माइक्रोब्स। अगर आपको सेकंड चैप्टर याद है जो हमने किया था अपना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स और फो वाला, तो उसमें हमने पढ़ाया था कि कुछ गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं। तो सॉइल में हमारे क्या होते हैं, गुड माइक्रोब्स। अब हमने ये देखा कि जो हमने क्रॉप लगाया है, ये अप्रैल टू जून के लिए क्रॉप लगाया है, हमारे सॉइल में ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और गुड माइक्रोब्स पाए जाते हैं। अब क्या हुआ, जून आ गया, उसे प्लांट फॉर एग्जाम्पल कुकुम्बर, खीरा जो होता है हमारा वो हम लगाते हैं जैद उसमें सीजन में। तो हमने अब क्या किया है, हार्वेस्टिंग कर दी हमने इसकी, जब कटाई कर दी तो अब क्या करेंगे हम जो है, अब हमारा कौन सा टाइम आ गया, सीजन कौन सा आ गया हमारा, रेनी सीजन आ गया, क्योंकि जून खत्म हो गया, अब हमारा रेनी सीजन आ जाएगा। रेनी सीजन में कौन सा क्रॉप लगाते हैं, अगर आपको याद होगा आपने 6th या 7th पढ़ा हुआ, तो रेनी सीजन में हम लगाते हैं अपना खारिफ क्रॉप। तो अगर हम ये लगा रहे हैं, खारिफ क्रॉप लगा रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो ये मिनरल्स इस टाइम पे सॉइल में थे, ये मिनरल्स अभी भी इस सॉइल में प्रेजेंट होंगे, ये मिनरल्स जो अभी तक इस सॉइल में प्रेजेंट थे, क्या वो अभी भी प्रेजेंट होंगे? वो प्रेजेंट नहीं होंगे। वो प्रेजेंट क्यों नहीं होंगे,
ये जो मिनरल्स होंगे वो सारे मिनरल्स इतने प्रेजेंट क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इस जो ये प्लांट है हमारा, जो जैद क्रॉप है हमारा, इसने तो ये सारे मिनरल्स ले लिए, इसने अपना फूड बना लिया इससे, इन मिनरल्स को यूज करके। अब क्या होगा कि जैसे ही ये प्लांट हमने हटाया, हार्वेस्ट कर दिया, तो अब ये जो हमारा सॉइल है ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल है, मतलब इस सॉइल में, इस मिट्टी में अब न्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुके हैं, इस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुके हैं। तो न्यूट्रिएंट्स कैसे बनेंगे, न्यूट्रिएंट्स ऐसे बनेंगे, देखिए एक तो एग्जांपल है कि इसको हम जो है इस लैंड को खारिफ सीजन में, खारिफ सीजन में मींस रेनी सीजन में हम क्रॉपिंग नहीं करते, मतलब इस सीजन में इसमें खेती नहीं करेंगे, और हम खेती कब करेंगे, विंटर सीजन में, जब हमारा विंटर सीजन आएगा, जब रबी सीजन आएगा तब हम खेती करेंगे इसमें। उस टाइम तक क्या होगा, जो इसके अंदर गुड माइक्रोब्स है, ये जो गुड बैक्टीरियाज है, वो क्या करेंगे, वो इन मिनरल्स को रिप्लेनिश कर देंगे हमारे सॉइल में। मींस ये जो गुड माइक्रोब्स है, ये मिनरल्स को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो डिकम्पोज करेंगे। और डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है जो प्लांट्स होते हैं पिछले साल के, जो प्लांट्स होंगे मींस डेड प्लांट्स या इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं हमारे इसमें, कुछ अर्थ फॉर्म्स रह गए होंगे, कुछ कीड़े होंगे उसके अंदर हमारे सॉइल में रह गए होंगे, और कुछ फॉर एग्जांपल कोई एनिमल मर गया है उसी लैंड में, तो ये क्या करेंगे, ये जो गुड माइक्रोब्स हैं वो क्या करेंगे, इनको डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज कैसे होता है कि इसमें से इनको छोटे छोटे पार्ट्स में, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट, मतलब मिट्टी जैसे पार्ट्स में तोड़ेंगे, इनको तोड़ेंगे, और जो उनका फूड होगा उसको खा लेंगे, और इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स रहेगा, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स के जरूरी रहेगा, उसको ये छोड़ देंगे, और उसी को हम बोलते हैं मैन्यूर्स, उसी बोलते हैं मैन्योर, या फिर ह्यूमस, ह्यूमस भी बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो माइक्रोब्स है हमारे, ये अगर इसको टाइम दिया जाए, 3-4 महीने 5 महीने का टाइम दिया जाए, तो ये दोबारा से ये इन मिनरल्स को सॉइल में बना सकता है, डिकम्पोज करके ये गुड माइक्रोब्स दोबारा से सॉइल में बना सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा इस क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर इंडिया की बात करें आप, तो सबके पास इतने बड़े बड़े खेत नहीं है, इतने सारे खेत नहीं है कि वो एक सीजन बैठे और एक सीजन में लगाए, फिर उसके बाद जैसे जैद में लगाया, तो वो नहीं, उनके पास खेत है, हमारे जो फार्मर्स हैं वो इतने रिच नहीं है, बहुत ही पुअर फार्मर होते हैं, और उनके पास लैंड इतने नहीं होते, तो वो क्या करते हैं कि उनके पास इतनी जमीन नहीं है कि वो 6 महीने बैठे और 6 महीने खेती करें, अगर वो 6 महीने बैठ जाएंगे तो खाएंगे क्या। तो इसीलिए हमने बनाया मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, कि हमारा जो है लैंड है, हम उसमें रुक नहीं सकते, हम उसको छोड़ नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इन्हीं मिनरल्स के लिए हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, कि हमारा जो है हम नेक्स्ट सीजन भी खेती कर सके। अगर हमने अभी जैद क्रॉप लगाया है तो रेनी सीजन में भी हम खेती कर सके, इसलिए हम मिट्टी में अपने मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर क्या करते हैं। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड इनडायरेक्टली दे ऑल्सो इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जब सॉइल फर्टाइल होगा तो क्रॉप तो अपने आप ही प्रोड्यूस हो गई, क्रॉप अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी हमारी, और हेल्थी प्रोडक्टिविटी होगी, मतलब जो क्वालिटी होगी हमारे क्रॉप्स की वो अच्छी होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर का यूज किस लिए करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें डिफरेंस लेंगे, ऑल्दो देयर वर्किंग इज सेम, मतलब ये वर्क तो सेम ही करते हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमारे फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, इन दोनों बीच में लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है, जो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर है इन दोनों बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेट्स डिस्कस अबाउट देम। So what is the difference between manures and fertilizers? Manures क्या होते हैं? Manures, जो manures होते हैं वो natural होते हैं। Natural means इसको humans नहीं बनाते, इसको prepare जो करते हैं वो humans नहीं करते, उसको इसको microbes prepare करते हैं, जो manures होते हैं उनको microbes बनाते हैं इसको manures को। लेकिन जो fertilizers होते हैं, there are certain chemicals
विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे एनपीके है या फिर यूरिया है, ये फर्टिलाइजर है, ये किसी एक न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होंगे और इसको जो है ये केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं, इसको ह्यूमंस बनाते हैं, मतलब मैन मेड होते हैं ये, और ये बनते हैं हमारे फैक्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में काम करते हैं लोग और इसको फर्टिलाइजर को बनाते हैं। लेकिन मैन्योर्स हमारे नेचुरल होते हैं, फैक्ट्री में नहीं बनते, इसको माइक्रोब्स ही बनाते हैं। ह्यूमंस ज्यादा ज्यादा ये कर सकते हैं। पहले के जमा पहले के आज के 10-15 साल की पहले बात करूं, मुझे याद है हमारे गांव में भी कि एक जगह होती है, लैंड होता है बहुत बड़ा, उसमें क्या होता है गांव के सभी लोग जाते हैं, काउडंग वगैरह होता है, काउडंग मींस आप जानते हैं गोबर होता है, और घर के जो गांव में पहले कूड़ा होता था वो कूड़ा मतलब ऐसा नहीं होता था, प्लास्टिक वेस्ट नहीं होता था आज की तरह, वो ऐसे ही वेस्ट होता था कि पत्ते हो गए, गोबर हो गया, ये सारा कूड़ा होता था उस टाइम पे। तो वो क्या करते थे, एक जगह पे खेत में जाके इन सारी चीजों को डाल आते थे, फेंक आते थे। तो उससे क्या होता था कि 3 महीने बाद 4 महीने बाद जो माइक्रोब्स होते हैं, वो जो प्रेजेंट होते हैं, वो उन गोबर को और उन कूड़ा को कन्वर्ट कर देते थे खाद में, मैन्योर्स में कन्वर्ट कर देते थे। और फिर 3-4 महीने बाद जब ये मैन्योर्स में कन्वर्ट हो जाते थे, तो इसको जो फार्मर्स होते थे इसको निकाल के, उस जगह से निकाल के अपने खेतों में डाला करते थे, ये पहले होता था। तो ह्यूमंस सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपने घर का जो काउडंग है या फिर गोबर वगैरह है, इसको एक जगह जाके रख सकते हैं या फिर उसको छोड़ सकते हैं वहां पे। तो लेकिन काम माइक्रोब्स को ही करना है, इसमें ह्यूमन कुछ नहीं कर सकते, इसको खाद बनाने में ह्यूमंस नहीं कर सकते। डिकम्पोजर्स होते हैं माइक्रोब्स, जो डिकम्पोजर्स होते हैं वही इस मैन्योर को बनाते हैं। लेकिन इसके अंदर फर्टिलाइजर्स में, फर्टिलाइजर्स को माइक्रोब्स नहीं बना पाते, इसको जो है मैन को ही बनाना पड़ता है। कैसे, बाय यूजिंग केमिकल्स, कुछ केमिकल को यूज करके वो ये हमारा जो है फर्टिलाइजर बनाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर का। बाकी दूसरे डिफरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। बात की कि ये नेचुरल होता है और ये मैनमेड होता है। ये फील्ड्स में या होम्स में प्रिपेयर होता है और ये वाला फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है। जो मैन्योर्स होते हैं दे आर नॉट वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, बहुत ज्यादा रिच नहीं होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, ये नॉट रिच इन वेरी न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये बहुत ज्यादा रिच नहीं होते, होते हैं इसमें जो मैन्योर्स होते हैं उसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा होता है, जो सारे मिनरल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े सब होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं, ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये रिच होते हैं, किसी एक न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होते हैं, जिसके लिए फर्टिलाइजर अलग अलग आते हैं। फॉर एग्जांपल यूरिया अलग आता है, एनपीके नाम का अलग आता है, तो इस तरह से अलग अलग फर्टिलाइजर आते हैं, और जिस चीज के लिए भी आते हैं उसमें बहुत अच्छे मात्रा में ये रहता है जो फर्टिलाइजर। फॉर एग्जांपल यूरिया होगा तो वो सिर्फ यूरिया काम करेगा लेकिन बहुत ज्यादा रहेगा, तो ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज के लिए आते हैं, लेकिन ये कोई पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं आता है। फॉर एग्जांपल जो एनपीके है तो ऐसा नहीं है कि इसमें यूरिया ही रहेगा, इसमें अगर हम यूरिया लेंगे तो इसमें सिर्फ यूरिया ही रहेगा, दूसरे न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे, लेकिन इसके लिए कोई अलग से नहीं आता, ये मैन्योर बस खाद। अगर आप बोलोगे कि मुझे मैन्योर चाहिए तो मैन्योर मतलब खाद, इसके लिए आप दुकानों में जाके बोल सकते हो मुझे यूरिया चाहिए, मुझे एनपीके चाहिए। तो ये डिफरेंस है कि ये स्पेशली किसी चीज में रिच नहीं रहते, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसमें जो है कोई एक ही न्यूट्रिएंट पाया जाता है जो आप खरीद के लाओगे, जो आपको लगेगा मेरे प्लांट्स को जरूरत है। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है एक। और मैन्योर्स ह्यूमस ऐड करते हैं, ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस खाद ही होता है, खाद जो भी माइक्रोब जो है न्यूट्रिएंट्स छोड़ देते हैं, जो डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स छोड़ देते हैं उसको ह्यूमस कहते हैं। बट फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर डज नॉट एड एनी ह्यूमस, ये कोई ह्यूमस एड नहीं करते, नो ह्यूमस,
ठीक है, ये इसके कुछ डिफरेंस है। और जो मैन्योर से हम फार्मिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो आपकी बुक्स में नहीं है लेकिन ये आजकल करंट टॉपिक में बहुत बड़ा इशू है ऑर्गेनिक फार्मिंग। और इसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजर से जो फार्मिंग होती है उसको बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक फार्मिंग। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये कुछ डिफरेंसेस है हमारे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में। अब हम पढ़ेंगे कि मैन्योर्स के एडवांटेजेस क्या है, फर्टिलाइजर्स के डिसएडवांटेजेस क्या है। आपने ये तो देखा कि ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, फर्टिलाइजर से प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ती है, इसका एक ही एडवांटेज है। जो फर्टिलाइजर्स का एडवांटेज है वो एक ही इसका एडवांटेज है कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है इससे, हमारे किसानों ने इससे बहुत फायदा उठाया है क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है इससे। प्रोडक्टिविटी मीन्स हमारे क्रॉप्स की जो फसल की जो उपज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, उत्पादन बहुत होता है हमारे फसल का, बस एक ही इसका एडवांटेज है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस बहुत है। इसका फायदा एक ही है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन नुकसान बहुत है फर्टिलाइजर्स के। वेयर इज मैन्योर्स के, मैन्योर्स का नुकसान कुछ नहीं है, फायदे बहुत सारे हैं इसके। सिर्फ एक छोटा सा नुकसान है इससे कि प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं होती जितना फर्टिलाइजर्स होती है, बस यही एक इसका डिफरेंस है। बाकी डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा है उसके, और इसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है, मैन्योर्स के एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है, मैन्योर्स के एडवांटेजेस क्या है। मैन्योर्स से क्या होता है कि वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है हमारे सॉइल की। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या होता है, पानी को पकड़ने की क्षमता, मिट्टी में पानी को पकड़ के रखने की क्षमता बढ़ जाती है हमारे मैन्योर से। तो पानी को पकड़ के रखने से क्या होगा कि पानी बहुत जल्दी नीचे परकुलेट नहीं हो जाएगा। परकुलेशन मीन्स होता है कि नीचे पानी का चले जाना, तो पानी बहुत आराम जल्दी नीचे नहीं चला जाएगा। ये मिट्टी क्या करेगी उसको, अगर मैन्योर हमने डाल रखा है अपने क्रॉप में तो मिट्टी क्या करेगी, पकड़ के रखेगी पानी को। और पानी को पकड़ के रखने का मतलब क्या, हमारे पौधों को क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। अभी हम इरिगेशन में पढ़ेंगे कि पानी का यूज क्या होता है, तो पानी को पकड़ के रखता है। तो सबसे बड़ा इसका फायदा यह है कि वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है मैन्योर्स के ऐड करने से। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है बहुत बड़ा मैन्योर्स से, कि पोरस बना देता है, ये सॉइल को पोरस बना देता है। पोरस क्या होता है, पोरस कोई ऐसी चीज जिसमें मतलब जगह बहुत हो बीच में, कोई भी ऐसी चीज हो जिसके बीच में जगह बहुत ज्यादा हो। आपने बचपन में एक चैप्टर पढ़ा होगा सॉलिड लिक्विड एंड गैस मैटर्स, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा होगा, तो उसमें पढ़ा होगा आपने कि जो सॉलिड होता है उसमें बहुत पास पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिल्कुल भी अंदर जगह नहीं रहती, ऐसे ऐसे रहता है। और लिक्विड में जो आपने पढ़ा होगा कि बीच में जगह रहती है, थोड़ी थोड़ी जगह रहती है। और गैस में पढ़ा होगा कि बहुत सारी जगह रहती है बीच में। तो इन दिस केस यू कैन सी दैट द गैस इज मोर पोरस देन सॉलिड। सॉलिड पोरस नहीं है, सॉलिड में आराम से कोई चीज जा नहीं सकती क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत टाइट है। लेकिन जो गैस है उसमें बहुत पोरोसिटी बहुत ज्यादा है उसकी, कि इसमें कोई चीज डालेंगे तो ये घूम आराम से जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं पोरस, आप इस एग्जांपल समझ पाएंगे पोरस क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज जा सके। तो ये क्या करता है मैन्योर, क्या करता है, पोरोसिटी बढ़ा देता है, पोरस बना देता है हमारे सॉइल को। तो सॉइल को पोरस बनाने से क्या होता है कि जो हमारे रूट्स होते हैं वो इजिली ब्रीथ कर पाते हैं, इजिली ब्रीथ कर पाएंगे। और जो गैसेस एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होती है, क्योंकि हमारे रूट्स भी ब्रीथ करते हैं, तो गैसेस आराम से एक्सचेंज कर पाएंगे जो हमारे सॉइल में होगा, तो गैसेस फ्रीली मूव कर पाएगा। ये पोरस बनाता है हमारे सॉइल को, ये इसका सेकेंड एडवांटेज है। और थर्ड पॉइंट क्या हमारा, कि सॉइल के टेक्सचर को इंक्रीज अच्छा करता है, सॉइल के टेक्सचर को अच्छा करता है। और फोर्थ हमारा पॉइंट क्या है कि माइक्रोब्स की ग्रोथ करने में हेल्प करता है, माइक्रोब्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मैन्योर से, हमारे माइक्रोब्स भी बढ़ते हैं। तो ये हमारे मैन्योर के एडवांटेजेस हैं। फर्टिलाइजर्स के डिसएडवांटेजेस क्या है, ये हमने फायदे पढ़े मैन्योर्स के, लेकिन फर्टिलाइजर्स के नुकसान क्या है वो पढ़ते हैं।
फर्स्ट जो बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है वो है वाटर पॉल्यूशन। वो है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन कैसे? आपने ये फर्टिलाइजर्स का यूज करके खेती की, फॉर एग्जांपल आपने फर्टिलाइजर डाल दिया। फर्टिलाइजर क्योंकि केमिकल होते हैं, अगर मान लीजिए बारिश आ गई और यही सारा पानी जो खेतों से बह के हमारे नदियों में जाएगा, हमारे रिवर्स में जाएगा, और ये केमिकल क्या करेगा, केमिकल रिवर्स में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिश वगैरह होते हैं, उनको ये केमिकल नुकसान पहुंचाएगा। तो ये बहुत बड़ा इशू है आज के डेट में फर्टिलाइजर्स का, रन ऑफ वाटर, जो वाटर होता है वो जो खेतों से बह के पानी उसमें जाता है, नदियों में जाता है, वो ये केमिकल्स नुकसान पहुंचाते हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स को। और आपको पता होगा कि जो रिवर का वाटर होता है वो धीरे धीरे परकुलेट होके धरती में भी जाता है, मतलब हमारे मिट्टी के अंदर भी जाता है, और वही फिर हमारे नलों में हम पानी पीते हैं, तो वही केमिकल्स हमारे नल में भी जो पानी पीते हैं वो उसमें भी आता है। तो इस तरह से ये वाटर पॉल्यूशन करता है, वाटर को पॉल्यूट करता है फर्टिलाइजर। ये इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है। सेकंड इसका डिसएडवांटेज है, जो केमिकल्स का यूज कर रहे हैं हम, उस केमिकल्स का कभी कभी नुकसान भी देखा गया है हमारे ही क्रॉप्स के ऊपर, हमारे ही फूड के अंदर। तो जब वही फूड हम खाते हैं तो हमारे लिए हार्मफुल होता है, हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसी की वजह से बहुत ज्यादा बोला जा रहा है कि अब हमको वी शुड मूव ऑन टू दिस मैन्योर्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमको मूव कर देना चाहिए, क्योंकि ये फर्टिलाइजर से जो फूड उगाया जा रहा है वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो ये नुकसान है इसके, फर्टिलाइजर्स के। और उसके बाद एक बहुत बहुत बड़ा नुकसान किसानों के लिए है कि ये कॉस्टली है, मतलब ये महंगा आता है। अगर आप मैन्योर्स को देखो तो मैन्योर्स तो किसान खुद ही बना लेते हैं अपने खेत में, अपने घर में गोबर से और कूड़ा से, लेकिन ये फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजर्स के लिए इनको जाना पड़ता है शॉप पे, जो फर्टिलाइजर्स होता है वो शॉप पे जाना पड़ता है, जिसकी वजह से इनको पैसे काफी लगते हैं, ये थोड़ा महंगा आता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज फर्टिलाइजर्स का। सो ये था इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो हमको क्या करना चाहिए अपने सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए, क्या करना चाहिए, फर्टिलाइजर का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमको अपने हमें फर्टिलाइजर्स का यूज कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये सॉइल के लिए भी हार्मफुल है हमारे, और वाटर के लिए भी हार्मफुल है, हमारे लिए भी हार्मफुल है। हमको क्या करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर हमको या तो मैन्योर्स यूज करना चाहिए, नहीं तो एक मेथड है रिप्लेनिशमेंट के लिए, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन ये एक मेथड है जिसको यूज करना चाहिए, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है इस मेथड्स को आजकल फार्मर्स के लिए। इसमें क्या होता है, क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि एक सीजन में हमने सॉइल में कोई प्लांट लगाया, फॉर एग्जांपल वीट लगाया, वीट हमारा रावी क्रॉप है अगर आपको पता हो तो, ये रावी क्रॉप है। सो फॉर एग्जांपल रावी सीजन में हमने वीट लगाया, और नेक्स्ट सीजन में हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट सीजन में लेग्यूम्स लगाएंगे। लेग्यूम्स क्या होते हैं, लेग्यूम्स क्या होते हैं, लेग्यूम्स हमारी दालें होती हैं, पल्सेस, जिस प्रोटीन रिच फूड होते हैं उनको हम लेग्यूम्स बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट सीजन में क्या करेंगे, हम दालें लगाएंगे। दालें क्या करती है, आपको पता होगा एक राइजोबियम बैक्टीरिया, ये हमने पढ़ा था नाइट्रोजन साइकिल में अगर याद हो तो, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये सिर्फ राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो लेग्यूम्स के रूट्स में रहते हैं, ये बैक्टीरिया लेग्यूम्स के रूट्स में रहते हैं और ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा नाइट्रोजन यहां पे खत्म हो गया होता है, नाइट्रोजन हमारा इस वीट प्लांट ने ले लिया होता है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस सॉइल में नाइट्रोजन को बढ़ा देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अब हमने जो हमारा नाइट्रोजन खत्म हो गया था वो नाइट्रोजन सॉइल में दोबारा मिल चुका है। तो इस तरह से हमको क्रॉप रोटेशन करना चाहिए कि ऐसे प्लांट्स लगाने चाहिए जो कि किसी न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर सके। एक सीजन में हम ये लगाएंगे कि हमारा कोई प्लांट है वो न्यूट्रिएंट्स को खत्म कर दे रहा, दूसरे सीजन में हमको ऐसे प्लांट्स लगाने चाहिए
जो उस न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा सके, इसी को बोलते हैं हम क्रॉप रोटेशन। तो ये दो मेथड्स हमको यूज करना चाहिए। सो दिस वाज आवर फर्स्ट टॉपिक, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड टॉपिक, दैट इज इरिगेशन। इरिगेशन इज बेसिकली वॉटरिंग द क्रॉप्स। जो हम पानी डालते हैं, पानी लगाते हैं अपने क्रॉप्स में, उसी को हम इरिगेशन कहते हैं। लेकिन इरिगेशन की जो डेफिनेशन है वो है वॉटरिंग द क्रॉप्स एट अ रेगुलर टाइम, या पर्टिकुलर टाइम ना उनको एक रेगुलर पैटर्न में डालते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने 15 दिन में पानी दिया, फिर 15 दिन बाद फिर पानी दिया, फिर 15 दिन बाद पानी दिया, इसको हम बोलते हैं इरिगेशन। जब हम एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वॉटरिंग कर रहे हैं अपने क्रॉप्स को, उसी को हम बोलते हैं इरिगेशन। इस टॉपिक में ज्यादा पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं इरिगेशन के, क्योंकि आप जानते हैं कि वॉटरिंग तो बहुत ही कॉमन सी चीज है, इस सभी जानते हैं। तो इसमें ज्यादा नहीं, इसमें बेनिफिट्स पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि कौन से मेथड्स है इरिगेशन के, पहले जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे कौन से थे, और आज मॉडर्न टाइम में हम कौन से मेथड्स को यूज करके इरिगेशन करते हैं। सो फर्स्ट बेनिफिट इज, जो हमारा सीड होता है, हमने क्या किया, पहले हमने टिलिंग ऑफ सॉइल किया, फिर हमने सीड को सो किया और हमने उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर ऐड किया। अब हम इरिगेशन कर रहे हैं जैसे, तो हमारा जो सीड था, हमने जो सो किया था, जो बीज बोया था, सीड्स जर्मिनेट ओनली इन मॉइस्चर कंडीशन। जर्मिनेशन जो होता है सीड का, जर्मिनेशन मीन्स होता है कि जो उसमें से बीज फूटता है, अंकुरित होता है, उसमें से अंकुर निकलता है, उसी को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। मतलब सीड्स फूट के जो उसमें से पेड़ निकलता है या फिर पौधा निकलता है, ग्रो करता है, उसी को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। तो सीड जो जर्मिनेट करता है वो ओनली मॉइस्चर कंडीशन करता है। मॉइस्चर में मींस होता है नमी होनी चाहिए मिट्टी में, सॉइल में, सॉइल हमारी वेट होनी चाहिए, सॉइल हमारी गीली होनी चाहिए। और सॉइल गीली कैसे होगी, वो होगी पानी से। तो सीड जर्मिनेट ओनली इन द मॉइस्चर कंडीशन, ये फर्स्ट बेनिफिट है इसका इरिगेशन का। द सेकंड बेनिफिट क्या है, सेकंड बेनिफिट ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब करने के लिए, जो प्लांट्स हमारा होता है वो न्यूट्रिएंट्स को जब ही एब्जॉर्ब कर पाएगा जब पानी होगा, क्योंकि पानी के थ्रू ही वो जो हमारा प्लांट होता है वो न्यूट्रिएंट्स को पानी के थ्रू ही एब्जॉर्ब करता है। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं नीचे मिट्टी में वो ऐसे ही नहीं चले जाते, जब वाटर होता है वो जो वाटर इन न्यूट्रिएंट्स को ऊपर ले जाके प्लांट्स में देता है लीव्स में, तब जाके ये सारे प्लांट्स इनको न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, तो इरिगेशन इज बेनिफिशियल फॉर एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स, इज नेसेसरी फॉर एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स। और क्या होता है इरिगेशन से, एयर करंट, जो हॉट एयर करंट, जो लू वगैरह चलती है गर्मियों में, आपको पता होगा गर्मियों में बहुत ज्यादा, तो इनसे ये इरिगेशन बचाता है। हॉट एयर से, हॉट एयर करंट से हमारे इरिगेशन हमारे प्लांट्स को बचाता है, ये इसका थर्ड बेनिफिट है। फोर्थ है हमारा माइक्रोब्स की ग्रोथ। माइक्रोब्स हमारे, अभी हमने इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था, वो वही प्रेजेंट होंगे जहां पे वेट सॉइल होगी या मॉइस्चर होगा। तो जब सॉइल गीली रहेगी, मिट्टी गीली रहेगी, तभी हमारे ये माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे। और माइक्रोब्स के बारे में हमने पढ़ा कि माइक्रोब्स किस तरह से हमारे एग्रीकल्चर की मदद करते हैं, हमारे खेती की मदद करते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स है इसके। और जो एग्रीकल्चर होता है वो डिपेंड करता है फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। कोई पौधा ऐसा होता है जिसको बहुत पानी की जरूरत होती है, कोई पौधा ऐसा होता है जिसको बहुत कम पानी की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा राइस है, इसको बहुत पानी की जरूरत होती है, जो चावल होते हैं इसको बहुत पानी की जरूरत होती है। और वहीं पे जो दूसरे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बिना, जो थोड़े पानी में भी ग्रो कर जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में कि कौन कौन से मेथड्स यूज करके पहले खेती होती थी। ठीक है, आप इस इमेज को देखिए। फर्स्ट है हमारा पुली सिस्टम या मोट सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक कुआं जैसा बड़ा, जैसा कुआं होता है, वेल होता है, उसमें फार्मर क्या करता है कि नीचे पानी डालता है, नीचे बाल्टी डालता है और
या फिर कोई ऐसा वेसल, बड़ा वेसल या डालता है जिससे पानी खींचते हैं और उसको पानी खींच के खेतों में देते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। एक मैं इन चारों मेथड्स के लिए आपको जो चार ट्रेडिशनल मेथड है एक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, उस लिंक को जरूर देखें, उससे आपको बहुत ही क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि कैसे ये पहले के जो ट्रेडिशनल मेथड, जो ट्रेडिशनली हम कैसे पहले इरिगेशन करते थे। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड है हमारा चेन सिस्टम। चेन सिस्टम इस इमेज में देखिए, इसमें क्या है, एक व्हील लगी हुई है और व्हील में एक चेन सिस्टम है, दो व्हील है, एक व्हील और दोनों व्हील कैसे कनेक्टेड है, चेन से कनेक्टेड है। तो जो व्हील नीचे वाटर बॉडी में लगी हुई है, पानी में लगी हुई है, वो क्या करती है, ये चेन दोनों घूमती है, दोनों जो व्हील्स हैं घूमते हैं चेन की हेल्प से और पानी निकालते हैं। ये चेन सिस्टम है। थर्ड है हमारा ढकेली सिस्टम। ये ढकेली सिस्टम क्या होता है, इसमें एक साइड बड़ा सा रॉक बंधा होता है और दूसरे साइड एक डंडे में बाल्टी लगी हुई होती है और फार्मर क्या करता है, इस बाल्टी वाले साइड को खींचता है, इस पर लटकता है, इसको खींचता है नीचे और जब पानी को नीचे भर के फिर इसको छोड़ देता है, तो ये जाके वहां से पानी को वहां पे छोड़ता है जहां पे पानी जरूरत होती है खेतों में। ये होता है ढकेली सिस्टम। फोर्थ सिस्टम है हमारा राहत सिस्टम। ये राहत सिस्टम क्या होता है, इसमें दो लीवर्स होती है, एक लीवर आपको दिख नहीं रहा होगा, जो आपको बैल दिख रहा है, बैल घुमाता है इस लीवर को, ये मिट्टी के नीचे होता है, आपको नहीं दिखेगा, और जो दूसरा लीवर आपको दिख रहा होगा वो दूर दिख रहा होगा, एक लीवर व्हील टाइप का, व्हील घूम रहा है, एक व्हील घूम रहा है उधर के साइड और एक व्हील है हमारे जो ऑक्स होते हैं, बैल होते हैं, इनके नीचे। ये दोनों जो दोनों व्हील्स हैं ये लीवर से कनेक्टेड होते हैं, एक लीवर होता है रॉड टाइप का, उससे कनेक्टेड होते हैं, तो नीचे जब ये बैल इधर से घूमता है तो वहां से वो व्हील जो उधर लगा हुआ है वो व्हील वो उधर से घूमता है, तो पानी नीचे से निकल के ऊपर आता है। आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, आप इसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो मैं आपको लिंक दे रहा हूं उसको देखिए, उससे समझिए। तो ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड से, लेकिन इसके डिसएडवांटेज थे, इसके बहुत नुकसान थे। क्या था कि इसमें एक तो देख सकते हैं आप, ह्यूमन लेबर बहुत लग रही है, इंसान को मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, या तो इंसान मेहनत कर रहा है या फिर इसमें एनिमल्स को मेहनत करनी पड़ रही है, जानवरों को हमारे मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो फिर और उससे क्या होता था कि मेहनत तो करनी पड़ रही है लेकिन एफिशिएंसी भी इतनी अच्छी नहीं थी, टाइम भी बहुत लगता था, पूरा पूरा दिन, पहले दो दो तीन तीन दिन लगते थे हमको सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए हमको तीन तीन दिन लगते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल हमने ऐसे इंजन लगा दिए हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह लगा दिए जिसके वजह से इरिगेशन सिंपल हो गया है। और इसमें किसका यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल या फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, सोलर एनर्जी का यूज करते हैं आजकल, तो इन सब चीजों से आज हमने बहुत सिंपल बना दिया है हमारे इरिगेशन मेथड। तो मॉडर्न मेथड में आपके जो है दो ही दिए गए हैं, ट्यूबवेल्स का यूज नहीं बताया गया, एक है आपका स्प्रिंकलर मेथड और है आपका ड्रिप इरिगेशन मेथड। इस इमेज को देखिए, स्प्रिंकलर मेथड वाले को, स्प्रिंकलर मेथड क्या होता है, एक बहुत बड़े पाइप से पानी जा रहा होता है, वाटर जा रहा होता है एक बहुत बड़े पाइप से, और उस वाटर से बहुत छोटे छोटे पाइप्स कनेक्टेड होते हैं अलग अलग जगह पे, बहुत छोटे छोटे पाइप्स कनेक्टेड होते हैं और इन छोटे छोटे पाइप्स में ऊपर एक नोजल लगा होता है और पानी इतने प्रेशर से आ रहा होता है कि ये जो है नोजल्स से, ये नोजल घूमते हुए रहते हैं और पानी जब इनसे निकलता है वो नोजल क्या करता है, बारिश की तरह पानी, फुहारे की तरह, फाउंटेन की तरह पानी को चारों तरफ फेंकता है, ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही हो, आप इसी इमेज में देख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं स्प्रिंकलर मेथड, वाटर को ये स्प्रिंकल कर रहा है। नाउ सेकेंड जो हमारा मेथड है मॉडर्न मेथड में, ये हमारा ड्रिप इरिगेशन मेथड। ड्रिप इरिगेशन मेथड क्या करता है,
इसमें भी एक बड़े पाइप में बहुत छोटे छोटे जगह पे पाइप्स कनेक्टेड होती हैं, लेकिन ये पाइप क्या करते हैं, ये एकदम रूट्स तक जा रही होती हैं। ये पाइप्स रूट्स तक जा रही होती हैं हमारे प्लांट के, और वहां पे ये एक एक ड्रॉप पानी छोड़ रही होती हैं। ये इकट्ठे बहुत सारा पानी नहीं छोड़ती, जैसे कि हमारा भी स्प्रिंकलर मेथड में देगा, ये एक एक ड्रॉप पानी छोड़ती है, और ये पानी जो है हमारा, इसमें वेस्टेज बहुत कम होती है पानी की। ये बेस्ट मेथड होता है, और ऐसी जगह पे ही एम्प्लॉयड किया जाता है ये मेथड हमारा, जहां पे पानी बहुत कम हो, जहां पे पानी बहुत कम हो वहीं पर हम इस मेथड का यूज करते हैं। आप इसको इमेज में देख सकते हैं। तो ये हमारा ड्रिप इरिगेशन। सो ड्रॉप से निकला ड्रिप, एक एक ड्रॉप जा रहा होता है, तो ड्रॉप से निकला ड्रिप, इसीलिए हम इसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, ये फ्रूट्स फ्रूट्स प्लांट्स वगैरह में इसकी हम यूज करते हैं, और जो स्प्रिंकलर मेथड था वो लॉन्स में और टी गार्डन्स में हम यूज करते हैं जो स्प्रिंकलर मेथड था, और ये जो हमारा ड्रिप इरिगेशन है ये फ्रूट्स प्लांट्स वगैरह में हम इसका यूज करते हैं। तो ये तो दोनों आपके मॉडर्न मेथड है। सो ये था हमारा सेकेंड टॉपिक, इरिगेशन। नाउ कमिंग टू आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज रिमूवल ऑफ वीड्स। रिमूवल ऑफ वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स आर अनडिजायरेबल प्लांट्स। अनडिजायरेबल मीन्स या अनवांटेड, अनडिजायरेबल कह सकते हैं या अनवांटेड कह सकते हैं, जिसको हम चाहते नहीं कि हो लेकिन वो फिर भी उग जाते हैं। कुछ ऐसे ग्रासेस होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अब हमारे खेत में अपने आप ही ग्रो करने लग जाते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं वीड्स। आपको पता है कि हमने टिलिंग कर दी, कुछ वीड्स, अच्छा कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो टीलिंग से पहले ही खेत में उगे रहते हैं, जो हमारा लैंड होता है, फैलो लैंड होता है हमारा, उसमें पहले से ही कुछ वीड्स उगे हुए होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जब सॉइल को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जब टीलिंग कर रहे होते हैं, प्लॉइंग कर रहे होते हैं, तो इन वीड्स को हम निकाल फेंकते हैं। कुछ वीड्स तो हमारे वहीं पर खत्म हो जाते हैं जो अनडिजायरेबल अनवांटेड हमारे प्लांट्स है, कुछ तो हमारे उसी टाइम खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ वीड्स ऐसे होते हैं कि जब हमने इसमें सीड्स को सो कर दिया, मतलब सॉइल प्रिपेयर किया था, उसके बाद सीड्स को सो किया, और उसके बाद हमने मैन्योर्स ऐड किए, तो अब क्या हुआ कि कोई एक ऐसा प्लांट होगा जिसको हम नहीं चाहते, वो ग्रो कर गया। क्यों ग्रो कर गया? क्योंकि इसको अब सब कुछ तो मिल ही गया, इसको मिट्टी मिल गई, इसको सीड्स मिल गए, इसको मैन्योर्स मिल गए, तो ये सारी जो इसको न्यूट्री जो इसकी रिक्वायरमेंट थी वो इसको मिल गई, तो ये अपने आप ही ग्रो करने लग जाएगा। कोई ऐसा प्लांट होगा जो अपने आप ही ग्रो करने लग जाएगा, क्योंकि इसको सब कुछ मिल रहा है। तो जब इसको सब कुछ मिलेगा तो हमें क्या करना है, हमें इसे निकालना है। क्यों निकालना है हमको इसको, क्या जरूरत है हमको इसको निकालने की, इतनी मेहनत क्यों करें हम इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि जो क्रॉप हमने लगाया है और जिसके जिसको हम चाह रहे थे कि मैन्योर्स मिले, पानी मिले, इरिगेशन हो, पानी मिले, ये क्या करेगा, ये प्लांट है जो वीड है, ये उनको खा रहा होगा, उस पानी को भी ले रहा होगा, उस मैन्योर्स को भी ले रहा होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे प्लांट्स होंगे उनको ये न्यूट्रिएंट सही से मिल नहीं पा रहे होंगे, उनको एक पानी नहीं मिल रहा होगा, उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा होगा, तो एक कॉम्पिटिशन चल रहा होगा इस वीड में और इस प्लांट में, एक कॉम्पिटिशन चल रहा होगा कि कौन, देखते हैं कौन पानी ले लेता है, कौन मैन्योर्स को ले पाता है, कौन पानी को ले पाता है। और जब ये वीड ले लेगा सारा पानी या फिर हमारा जो न्यूट्री मैन्योर्स है, तो हमारा ये प्लांट है जो, इसको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, पानी नहीं मिल पाएगा, मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे, और ये जो है बहुत ही वीक प्लांट बनेगा, क्वालिटी हमारे क्रॉप की खराब हो जाएगी, हमारे क्रॉप की क्वालिटी खराब हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन वीड को हम हटाते हैं, इस वीड को हम हटाते हैं। अब वीड रिमूवल के भी दो मेथड होते हैं, रिमूवल ऑफ वीड्स के भी दो मेथड होते हैं। एक होता है हमारा मैनुअल मेथड। मैनुअल मींस होता है, आप मैनुअल को मैन से समझिए, मैन, जहां पे मैन आ गया मतलब
मैन हटाते हैं इसको अपने हाथों से। एक होता है हमारा केमिकल मेथड। मैनुअल मेथड में क्या होता है, आपको खुरपी पता होगा क्या होता है, खुरपी एक टूल होता है, उससे हम एक एक करके इन वीड्स को हटाते हैं। और वीड्स को कब हटाते हैं, वीड्स को हम फ्लावरिंग से पहले हटा देते हैं, जब उसमें ऊपर सीड आने चालू होते हैं, बीज लगने ऊपर चालू हो जाते हैं उसमें, उसके पहले हटाते हैं। नहीं तो क्या होगा, ये मैं ये जो वीड्स है ये क्या करेंगे, ये और ज्यादा ग्रो होने चालू हो जाएंगे। अगर उनके सीड्स एक बार मिट्टी में गिर गए तो ये और ज्यादा सीड्स ग्रो करने चालू हो जाएंगे वीड्स, तो इनको हम हटाते हैं। तो एक रीजन तो ये था इसको हटाने का कि ये हमारे प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स को खा रहा है, जो खाना है हम प्लांट्स को दे रहे हैं अपने क्रॉप्स को दे रहे हैं वो ये वीड खा ले रहा है। और दूसरा ये भी रीजन है कि कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो बहुत डेंजरस होते हैं, पॉइजनस होते हैं, तो वीड्स वो वीड्स अगर हमने अपने क्रॉप के साथ, फॉर एग्जांपल वीट के साथ, ये मान लीजिए हमने ये वीट का प्लांट लगाया या फिर गेहूं का प्लांट लगाया और स्पीड्स को हमने काट के इसके साथ ही काट दिया, और अब काट दिया है, अब हम इससे गेहूं निकाल रहे हैं और इसके सीड्स भी उसमें आ गए, तो क्या होगा, ये पॉइजनस है, तो पॉइजनस मीन जहरीला, तो इसको हम खाएंगे, ये भी खाएंगे और ये भी खा लेंगे, तो क्या होगा, हमें वो नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए भी जरूरी है इसको निकालना, क्योंकि ये जहरीले भी हो सकते हैं और दूसरा ये प्लांट्स, हमारे जो प्लांट्स हैं उसके न्यूट्रिएंट्स को खाई रहे हैं। तो ये एक मेथड था मैनुअल मेथड, खुरपी से हम निकाल रहे हैं अब एक एक करके वन बाय वन। और दूसरा है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या कहते हैं, केमिकल मेथड में हम वीडीसाइड्स का यूज करते हैं। वीडीसाइड्स आर दोज केमिकल्स विच वी स्प्रिंकल ऑन द प्लांट्स, हमारे क्रॉप्स के ऊपर हम इनको स्प्रिंकल करते हैं, छिड़कते हैं, छिड़काव करते हैं। लेकिन जो ये वीडीसाइड्स होते हैं ये थोड़े पॉइजनस होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, तो हमारे किसानों क्या करना चाहिए डालते वक्त, कि अपना मुंह और नाक और आंखें जो है थोड़ा बचा के रखना चाहिए, नाक और मुंह ढक के रखना चाहिए और आंखें बचा के रखना चाहिए, जिससे केमिकल जो है ये उनके आंखों में ना पड़ जाए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनको हम बोलते हैं वीडीसाइड्स। और जो रिमूवल ऑफ सीड वीड्स है इसको हम बोलते हैं वीडिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग। तो आपने समझ लिया कि ये रिमूवल ऑफ जो वीड्स होते हैं इसके दो प्रोसेस होते हैं, एक मैनुअल और एक केमिकल। केमिकल में हम वीडीसाइड्स जो केमिकल्स होते हैं उनका छिड़काव करते हैं, मैनुअल में हम खुरपी का यूज करके वन बाय वन करके एक एक करके काटते हैं अपने वीड्स को हटाते हैं। So, ये था हमारा आज का टॉपिक, जो तीन टॉपिक हमने कवर किए, कौन कौन से टॉपिक्स थे, वो मैन्योर्स एडिशन, इरिगेशन और वीडिंग, रिमूवल ऑफ वीड्स। और नेक्स्ट क्लास में हम अभी बचे हुए अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें हमारा हार्वेस्टिंग है, स्टोरेज है, ठीक है। टिल देन आपको जो पीडीएफ दी गई है उसको आप पढ़िए सही से, ठीक है। थैंक यू।